आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए देख रहे ना, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का पेपर है, पूर्णांक 100 का है, पेपर कोड है 2021। कौन सा पेपर कोड है? 2021 सेट 1। बहुत से बच्चों ने डिमांड किया था कि सर जी हमें अंक वाला कोड का पेपर भेजिए, बहुत डिमांड हो रहा है। आप तो आप देख सकते हैं, कमेंट पढ़ सकते हैं, तो कई प्रकार के पेपर आपको मिलेंगे, कई कोड के पेपर आपको मिलेंगे, 15-15 सेट आपको पेपर मिलेंगे, एक एक विषय के 15-15 पेपर, कोई ना कोई पेपर आपके यहाँ विद्यालय में मैच करा दूंगा। और अगर पूरा नहीं मैच होता है तो आप वीडियो को मत देखना, 70% 80% तो पूरा मैच करेगा ही, लेकिन कोई ना कोई पेपर ऑल इंडिया में बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं, कोई ना कोई पेपर मैच करेगा, बिल्कुल हूबहू मेरा ही पेपर आएगा ऑल इंडिया में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, समझ रहे हैं। इसके लिए अगर आप नवीन छात्र हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश कर्मिणी पहला स्थान प्राप्त करे। दूसरा बात, आप अगर नए छात्र हैं तब पर भी शेयर करिए, शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल हाई रहेगा, आपको पेपर मिलता रहेगा, समझ रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला, एक मनुष्य को जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4। प्रथमेन आर्जिते विद्या, द्वितीयेन आर्जिते धनम, तृतीयेन आर्जिते द्रव्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। फिर से देख लीजिए, प्रथमेन आर्जिते विद्या, द्वितीयेन आर्जिते धनम, तृतीयेन आर्जिते पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो 4 वर्ग में बांटा गया है। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। तीसरा है, कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपांजी में, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, भूखा कैसा प्रेरक है जन्मजात। निश्चित उत्तरी प्रश्न, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? दूसरा, सीखने की एक परिभाषा लिखिए, हमें सीखने का नियम किसने दिया था? ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार किस उम्र में किया जाता है? 8 वर्ष में। रुचि एक अर्जित प्रेरक है सत्य अथवा असत्य? अति लघु उत्तरी प्रश्न, मनुष्य की आंतरिक उत्तेजना के कोई 2 उदाहरण दीजिए। रुचि के कितने प्रकार होते हैं? मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के कारण दुख क्या हैं? मकतबों में शिक्षण विधि क्या थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? कृपया पन्ना पलटिए, देख रहे हैं ना, फिर वही बात, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, चैनल को ऑल इंडिया में शेयर करेंगे, अपने इष्ट मिष्ट सगे संबंधी अगल बगल आस पास पड़ोस के जो अन्य विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी चैनल से अवगत कराइए, वो भी लाभ उठाएं। अगर आप जितना शेयर करते हैं तो मनोबल हाई रहता है, मेरा भी तो आपको 15-15 सेट, इसी तरह सेट 15 लिखा जाएगा, एक विषय के 15-15 पेपर मिलेंगे आपको, समझ लीजिए, और पूरा हल मिलेंगे। इस तरह से आपको पेपर, कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो हमारे तरह आपको इतने समय से पहले से पेपर दे रहा है। मैं अभी से डालना शुरू कर दिया हूँ कि सितंबर 6वां महीना है, अप्रैल से गिनेंगे, बहुत से 50% या 60% विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर बीतते या सेकंड वीक से शुरू हो जाएंगे। अब आपको इसका लाभ सितंबर, अक्टूबर, नवम्बर, जिसके यहाँ जो हो तब तक मैं 15-15 सेट पेपर डाल सकूँगा, बिल्कुल जुड़ जाइए, शेयर करते रहिए। लघु उत्तरी प्रश्न, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए, नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम अर्थ सीखने का क्या तात्पर्य है? प्रेरणा सीखने के लिए क्यों आवश्यक है? दंड कितने प्रकार का होता है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देख रहे हैं, बिल्कुल शेयर करेंगे, ऑल इंडिया में चैनल को फैला दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।